नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ टाटा मंत्रा के बारे में, जो टाटा ने अभी नई गाड़ी लॉन्च की है डाइकोर टर्बो इंजन जो है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। जानकारी ये है कि इसकी जो टाइमिंग बेल्ट थी वो टूट चुकी है, तो टाइमिंग बेल्ट टूटने से इसके हेड के जो बाल हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि क्या है इसमें कंपनी ने दे रखा, कैसे टाइमिंग बेल्ट टूटती है। न्यू गाड़ी है अभी मैं आपसे इसके बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा। तो ये गाड़ी है, ये मंत्रा है, इसकी हम फिटिंग खोल रहे हैं। आप देख सकते हो इसकी ये थोड़ी फिटिंग जो इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, हमने टैपर्ड कवर खोला है इसका, ये टैपर्ड कवर हो गया इसका और ये इंजेक्टर हो गए इसके दो, और ये इसकी रही टाइमिंग बेल्ट। ये देखो कैसे टूटी है, इतनी बड़ी होती है ये, इतनी बड़ी, तो ये बिल्कुल टूट चुकी है। इससे हमारे जो हेड के बाल हैं, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ये टूट चुके हैं। बीच से ये ख़राब हो चुके हैं। तो आज मैं ये आपको खोल के बताऊंगा हेड। ये अभी इसका टर्बो खोलेंगे हम। टर्बो की थोड़ी सी फिटिंग डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतनी नहीं है। फुली इलेक्ट्रॉनिक ये गाड़ी है, इसका एसी में जो है इसके बीच में दे रखा है कंपनी ने। इसको खोल के इसके अंदर ईसीएम है इसका। आप जब भी इस गाड़ी को खोलो तो इसकी जो बैटरी की तार है वो ज़रूर खोल ले पहले, उसके बाद ही कोई सेंसर की बाहर शायद खोलो। इसका हाई प्रेशर पंप। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा इसका हेड बाहर निकाल के, कैसे इसके बाल टेढ़े जो हो चुके थे, ये अभी मैं आपको बाहर का दृश्य बताऊँगा इसका। ये मैजिक मंत्रा है। तो ये गाड़ी, उसका टर्बो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी ये टाइमिंग प्लेट भी खुलेगी आगे से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी टाइमिंग बेल्ट कैसे टूटी है। ये अभी 42,000 चला है, तो 42,000 रुपये बेल्ट टूटनी नहीं चाहिए थी। कम से कम कंपनी बताती है कि 1,00,000 की टाइमिंग बेल्ट चेंज कर दो, तो कर देनी चाहिए, लेकिन ये 42,000 रुपये ही टूट चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे टूटी है, कैसे क्या हो गया था इसमें, ये बेल्ट टूटी है। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन का घंटी है उसको भी प्रेस करिए, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। इसकी सारी फिटिंग खोलनी है। ये रेल लगी है इसकी, कॉमन रेल जिसे बोलते हैं, ये इंजेक्टर है। इसकी सारी फिटिंग खोलेंगे फिर आपको बताएंगे इसमें क्या था, कैसे इसकी बेल्ट टूटी है। ये अभी न्यू गाड़ी है, 42,000 चली है अभी। ये इसका गियर बॉडी लगी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे बात करूंगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए आप। हमें इसका आप देख सकते हो साइड वाली फिटिंग जो है टर्बो वाली, ये खोलकर पीछे पीछे कर लिया हमने। ईजीआर को भी पीछे कर लिया, और इसका जो ब्रेक वाला पंप होता है उसको भी पीछे रख दिया खोल के पीछे से। तो ये हम इसकी अभी टाइमिंग प्लेट भी खोलेंगे। ये हमने कॉमन रेल को निकाल के बाहर रख दिया है, ये इसकी कॉमन रेल है। तो फ्रेंड्स, इसके जो जब इंजेक्टर निकालोगे तो ध्यान रखें कि इसका इंजेक्टर में इंजेक्टर जो है इसकी निशान जो ज़रूर लगा लें, इस पर बाशल का भी ध्यान रखिए। ये वाली जो इंजेक्टर की बाशल है, तो और एक ये आगे होती है ये वाली, इसका भी अच्छे से ध्यान रखना भाई। और इस पर हम जो एक नंबर का हमने निकाला है, इस पर हम पहले आपको इस पर निशान लगा लेंगे अभी,
ये देखो इस पे एक नंबर लिखना है हमने, ये एक नंबर लिख दिया है, एक इधर लिख रहे, हाँ ये हमने लिख लिया है ताकि हमको बाद में अगर एक के बजाय दो में लग गई, दो की एक में लगी तो हमें प्रॉब्लम करेगी। फिर ये प्रॉब्लम ये आएगी कि इंजेक्टर कोडिंग करने पड़ेगी, लेकिन हम पहले से ही अपना मौका संभाल लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी इसका हम ऐड को जब बाहर निकालेंगे फिर भी आपको बताएंगे। आपको बताता हूँ इसकी जो टाइमिंग बेल्ट टूटने का कारण था, ये कारण था, इसका कारण जो था ये था कि इसका ये जो कट है इस कट में बैठता है, ये कट जो है इस कट में बैठता है, इसको नीचे स्टार हल्की बढ़ेगी, ये आप देख सकते हो, तो ये जो स्लिप हो चुका है, स्लिप होने से ये क्या होगा, ये ढीला हो चुका था, ये जो आइलर इसका एडजस्टर है टाइमिंग का, ये ढीला हो चुका है, ये कट देखो कितना गैप पड़ गया है अभी में, तो इसी के कारण जो टाइमिंग बेल्ट इसकी टूटी है। तो इसका ध्यान रखना, ये जो कट है इसमें मैचिंग करना होता है आपको। तो अभी हम आपको इसको चौथा पन्ना दे भाई, हाँ यहाँ भाई पन्ना है, तो अभी मैं इसको खोलूँगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये अभी आपके सामने मैं खोलने जा रहा हूँ, खोल भाई इसको, ये ले चौथा नंबर पन्ना, ये देखो जोर रखे, अभी खोलेंगे इसको, ये हम खोल के आपको अभी इसके बारे में, ये ख़राब हो चुका है, इसको कभी भी अगर ऐसा हो तो ये कभी भी ओल्ड वाला मत डालिए, न्यू लेके मार्केट से और ओरिजिनल डालिए। इसका ज़्यादातर स्प्रिंग जो होता है वो स्लिप हो जाता है, और अभी आपको इस निशान पड़ा है इस पर देखो एरो का, तो ये वाला एरो जो है, तो इस पत्ती को बीच में मैच करना होता है, ये वाली पत्ती जो है बीच में मैच करना होता है इस एरो में, तो यही कारण था इसका जो ये टाइमिंग बेल्ट टूटने का। पूरी तो टूटी नहीं है, लेकिन ये देखो घिस गई है ना, ये घिसने के कारण ही इसके बाल जो है बेंड हो चुके थे। तो अभी मैं खोल के फिर से जब हेड बाहर निकालूंगा और दिखाऊंगा आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियो को, तो और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो पूरी देख कर फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। बीच में छोड़िएगा नहीं। तो अभी मैं आपको इसके आगे वाला भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा टाइम टाइम पे। थैंक यू फ्रेंड, हमने छः के छः बोल्ट जो हेड के वो खोल चुके हैं हम, अब इसका हेड जो हम निकालने जा रहे हैं बाहर, ले निकाल बाहर, आराम से कोई फिटिंग देख ले इसकी, अब थोड़ा कट शट फंसी होगी ना नीचे, डबल फंसी होगी इसकी, निकाल बता, एल रख दे मेरे को, पेज का सा है बड़ा वाला, उधर से ही कर देख के करता यार कोई सेंसर का, चलो निकाल दे बाहर, निकाल दे, निकाल ही लाते। तो फ्रेंड्स ये हम निकाल चुके हैं, इधर ले आ, देख मोबाइल गिर रहा है, तो ये इसका हेड, ये इसको इसके बाल जो टेढ़े हो चुके हैं, तो इसका ये गैस्किट है, ये इसका हेड गैस्किट, तो ये इसके पिस्टन है फ्रेंड्स, इसमें प्ले बिल्कुल नहीं है, नई गाड़ी है अभी, इसमें प्ले तो होगी नहीं, ये बिल्कुल ओके है। इसका टाटा का ही हेड गैस्केट डालना पड़ेगा, शंकर का भी आता है ये वाला। तो फ्रेंड्स ये जब फिटिंग करेंगे हम तो इसकी आपको बाकी वाली डिटेल भी बता देंगे, ये आप देख सकते हो इसके बाल जो थे ये पिस्टन के साथ लगे हैं, जहाँ पे लगे हैं तो ये टेढ़े हो चुके हैं, वो बाल जो हैं वो टेढ़े हो चुके हैं, तो बाकी जानकारी आपको देते रहेंगे फ्रेंड्स अगले पार्ट में।
थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। तो सेकंड पार्ट जो इसका मैं जब फिटिंग करूंगा इसको कल, तो अभी तो अंधेरा हो चुका है बाहर, तो मैं आपको फिर इसकी अपडेट दे दूंगा। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।